और सबसे बड़ी बात है भाई यहाँ से व्यू। लो भाई फाइनली वी आर एट चौली की जाली, बोल ऐसा कुछ व्यू है चौली की जाली से, ये देखो। और यहाँ पे और ये वाले ट्रैक में तो फुल फील आ रही है कि यहाँ भाई ट्रैक कर रहे हैं, क्योंकि ये जंगल बिल्कुल जंगल के बीच से है। हाँ जी गाइस, व्हाट्स अप, क्या हाल चाल, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। भाई करना है दिन नई शुरुआत, भाई आज के अपना दिन की शुरुआत हो गई है। पीछे आप व्यू देख ही रहे हो, हमें इस टाइम मुक्तेश्वर में, ये देख लो भाई ऐसा कुछ नज़ारा है अपने होटल से। मैं रात को आपको कह रहा था ना लास्ट वाले ब्लॉग में कि भाई सुबह आपको नज़ारा दिखाऊंगा, ये देख लो भाई व्यू बहुत ही प्यारा। और पीछे जो वो धुंध सी हो रही है ना, वो जो भी पहाड़ हैं मतलब जितने भी हैं वो सारी हिमालयन रेंज है। बहुत ही प्यारा व्यू है भाई, बहुत ही प्यारा। और हमने बहुत ही बढ़िया करा यहाँ पे होटल लेके। वैसे हमारे दोस्त का भी होटल था 7 से 8 किलोमीटर आगे, लेकिन वो रात को जा रहा था घर, वो गुड़गांव निकल रहा था और अकेला ही था वो होटल पे, तो फिर हम इसलिए यहाँ पे रुक गए, नहीं तो हम जाते उसी के पास अगर वो घर ना जा रहा था तो। और फिर जब ये होटल देखा तो भाई यहाँ का व्यू भी बहुत प्यारा लगा। और भाई इस टाइम रूम की हालत देख लो, कल आपने रात को देखा था कैसी थी रूम की हालत, और अब देख लो भाई। भाई जब लड़के होते हैं ना तो रूम की हालत ऐसी हो जाती है, चाहे मतलब कह रहा हूँ एक लड़का हो चाहे दो लड़का हो चाहे तीन हो, हालत ऐसी हो जाती है रूम की। बाकी ये दोनों भी रेडी हैं, मैं भी रेडी हूँ। अब हम अपना ब्रेकफास्ट करते हैं और ब्रेकफास्ट करके निकलते हैं मुक्तेश्वर से। बाकी आपको एक बार ऊपर रेस्टोरेंट भी दिखाता हूँ भाई, बहुत ही प्यारा होटल है, बहुत मतलब अच्छा स्टे है। बस अभी नया बना है ना तो इन्होंने यहाँ पर टीवी वगैरह नहीं लगाए, वो भी थोड़ा टाइम में लग जाएंगे। बढ़िया, और सबसे बड़ी बात है भाई यहाँ से व्यू, ये देख लो, जिसके लिए लोग आते हैं मेन तो भाई लोग व्यू के लिए आते हैं, और यहाँ पे व्यू भाई एक नंबर बेस्ट है, ये देख लो। हम तो जब से उठे हैं ना, हम 8:30 उठ गए थे, तब से भाई यहाँ बैठ रहे हैं, इधर बैठ अंदर बैठ रहे हैं, यहाँ पे शीशा है ना इस वाले बेड से बैठ के देख रहे हैं, या बाहर बैठ के चाय पी रहे हैं, मतलब बहुत ही प्यारा व्यू है। बाकी टाइमलेस भी लगा दूंगा, टाइमलेस जो बनाए हैं वो भी आप लोग देख लेना। अब अपना चलते ऊपर रेस्टोरेंट ब्रेकफास्ट करने। भाई हमारा रूम नंबर था 201 और ये यहाँ पे बना हुआ है रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट भी अच्छा बना रखा है, बुफे सिस्टम भी है, बाकी सिटिंग भी है, बहुत बढ़िया बना रखा है, ये देख लो भाई बहुत ही प्यारा बना रखा है। यहाँ मैगजीन, यहाँ बुक्स वगैरह भी रखी हुई हैं, बाइनोकुलर, चेस, लूडो वगैरह सब कुछ है, बच्चों के लिए खेल भी सकते हैं। बाकी यहाँ से भी आपको रेस्टोरेंट से भी वही सेम व्यू देखने को मिल जाएगा। भाई अब अपना ब्रेकफास्ट करके आ गए ऊपर और यहाँ अपना गाड़ी को स्टार्ट कर दिया है, बाकी अब इनका बिल क्लियर करते हैं। ये तो कल रात को ही दिखा दिया था, बाकी अपना बिल क्लियर करते हैं और यहाँ से निकलते हैं। भाई मेरा तो मन नहीं कर रहा यहाँ से जाने का, क्योंकि भाई व्यू बहुत प्यारा है, बहुत ही प्यारा व्यू है ना। लेकिन कोई बात नहीं भाई, जाना तो पड़ेगा। अब अपना चलते हैं मुक्तेश्वर, अपना घूमते हैं मुक्तेश्वर में। दो तीन जगह बताइए भैया ने बढ़िया अपना, जहाँ ट्रैक करके जाना पड़ेगा हमारे को। चलो कोई बात नहीं भाई, ट्रैक करके चलेंगे, 1.5 किलोमीटर के ट्रैक बता रहे हैं, तो अपना चलते हैं और अपना आपको भी घुमाते हैं। भाई अब अपना निकल चुके हैं होटल से और बिल क्लियर कर दिया, और भाई और मैं कह रहा हूँ भाई, हमने जो होटल पे रूम के लिए डिस्काउंट जो मिला वो अलग मिला, फूड पे भी कितना डिस्काउंट, 15% फूड पे भी 15% ऑफ मिला है। और भाई खाना भी अच्छा था, और खाना हमने इतना खाया मतलब बढ़िया। रात का भी डिनर हमारा यहीं था, सुबह का ब्रेकफास्ट भी यहीं था, तीन बंदों का स्नैक्स भी थे, सब कुछ था, चाय, ब्रेड मतलब पराठे, फिर रात का डिनर, रोटी सब्जी, सब मतलब सब कुछ ही था। और बिल आया मात्र और मात्र 2000 रुपये। अब ऐसी जगह पे 2000 बिल आना भाई नॉर्मल सी बात है, और वो भी 4 बंदों का। और बाकी अब हम जा रहे हैं मुक्तेश्वर की तरफ। मुक्तेश्वर से 7-8 किलोमीटर पहले ही रुक गए थे हम कल, बस यहाँ से 7-8 किलोमीटर ही है मुक्तेश्वर, वहीं चलते हैं अपना और बढ़िया से एक्सप्लोर करते हैं। आ जाओ। और भाई रास्ते की जो खूबसूरती है ना, ये तो हमने गलती करी भाई, हम रात को आ गए, हमें ना सुबह आना चाहिए था। और सुबह आते ना तो भाई एक ही नंबर नज़ारा है पूरी रोड पे। हाँ ये बात भी है, लेकिन अगर रात को नहीं आते तो स्टे नहीं करते तो होटल से ऐसा कुछ व्यू नहीं दिखता, बस ये ग्रीनरी दिखती रहती जो रोड पे है इस टाइम, क्योंकि दोनों तरफ ना भाई जंगल और खेत ही है इसीलिए।
से हम जा रहे हैं अपना चोली की जाली। और रास्ता देख लो भाई, रास्ता पूरा खराब है और एक ही गाड़ी आ सकती है एट अ टाइम, सामने से कोई गाड़ी आ गई तो फंस जाएगी। और प्रॉपर जंगल ही है भाई पूरा आसपास। भाई अभी आ गए हैं अपना पॉइंट जीरो पे मुक्तेश्वर। यहाँ पे दो तीन व्यू पॉइंट है हमारे को। आगे महादेव टेम्पल का रास्ता जा रहा था, हमने सोचा वहीं जाते हैं, पर उन्होंने बोला पहले आगे जाके तीन पॉइंट देखो उसके बाद चले जाना मंदिर, क्योंकि मंदिर के लिए ट्रैक है 1 किलोमीटर का। ये देख लो भाई, ये है पॉइंट जीरो। बढ़िया अपना सीटिंग भी है और यहीं पे रेस्टोरेंट भी है, बाकी व्यू बढ़िया है यहाँ से। देख लो भाई ऐसा कुछ व्यू है यहाँ से भाई, बहुत ही प्यारा। मैं कह रहा हूँ नैनीताल में हमारे को व्यू इतना अच्छा नहीं मिला, जब ऊपर जा रहे थे ना रोपवे से तो बढ़िया लग रहा था व्यू, लेकिन यहाँ पे तो भाई कहीं भी रुक जाओ व्यू एक ही नंबर है भाई, है ना। बाकी यहाँ इनका चल रहा है फोटोशूट। अभी हमने मैगी और सैंडविच ऑर्डर करा है, मैगी और सैंडविच खाते हैं फिर अपना चलते हैं चोली की जाली। चोली की जाली और महादेव टेम्पल यहीं आगे ही है थोड़ी सी, मतलब पीछे रह गए हम, थोड़ी आगे आ गए तो उन्होंने बोला कि आगे तीन पॉइंट कवर कराओ। बाकी यहाँ बाइनोकुलर्स और देखते हैं कि भाई क्या दिख रहा है। भाई बाइनोकुलर में ना देखने की खूब कोशिश कर ली लेकिन कुछ दिख ही नहीं रहा, वहीं का कुछ शायद टाइप था, बाकी सारी धुंध ही धुंध है वहाँ पे। तो बाकी देखो आपस में लगे पड़े कलेश करने, इन्होंने मंगवा लिया मैगी और सैंडविच। बाकी एक नंबर व्यू है। और भाई यहाँ पे एंट्री टिकट है 60 रुपये पर पर्सन, हमें नहीं पता था, हम तो एंट्री करके आ गए, बाद में वो रेस्टोरेंट का बंदा आया कि भाई गवर्नमेंट की साइट है और 60 रुपये पर पर्सन एंट्री फीस है। भाई अब अपना निकल रहे हैं पॉइंट जीरो से, ठीक था मतलब, लेकिन जो 60 रुपये है ना पर पर्सन एंट्री वो अर्थ नहीं है। बाकी अपना चलते हैं बाहर। भाई अब अपना गाड़ी पार्क कर दिया यहाँ पे और अभी हम जा रहे हैं भाई महादेव टेम्पल, मुक्तेश्वर महादेव टेम्पल। 1 किलोमीटर का ट्रैक है, पहले हमारे को जाना था चोली की जाली। भाई हर बंदा ना अलग अलग बात कर रहा है, कोई कह रहा है महादेव टेम्पल से आगे ऊपर जाओ, ठीक है, कोई कह रहा है कि इधर से उधर से, तो भाई वो तो पीछे रह गया। बाकी अपना चल रहे हैं एक बार महादेव टेम्पल, उसके बाद देखते हैं भाई, क्योंकि टाइम हमारे पास लिमिटेड है, टाइम बहुत कम है, हमारे को निकलना आगे। ये देख लो यहाँ लिखा हुआ ना महादेव टेम्पल, यहाँ से एंट्रेंस है, ठीक है, और 1 किलोमीटर का ट्रैक है पूरा। भाई यहाँ पर अपना ट्रैक चल रहा है भाई, हालत होगी ख़राब, 1 किलोमीटर का ट्रैक है, 200 मीटर करा अभी कवर। लो भाई फाइनली ट्रैक करते करते आगे मंदिर सामने, वो देख लो, ये देखो मुक्तेश्वर टेम्पल। लो भाई आ गया मुक्तेश्वर महादेव टेम्पल। भाई शिव जी ना हमेशा पहाड़ की चोटी पे जाके बैठे हैं, क्योंकि सारे मंदिर देख लो शिव जी के पहाड़ को टॉप पे ही मिलेंगे, केदारनाथ बद्रीनाथ अमरनाथ सारे मंदिर। ये देख लो भाई ये है मुक्तेश्वर महादेव शक्तिपीठ। ये था भाई मुक्तेश्वर महादेव टेम्पल, यहाँ पे है हनुमान मंदिर। लो जी दर्शन कर लो, यहाँ ऊपर जाएंगे, यहाँ पे है राम मंदिर। भाई यहाँ ऊपर आए हैं, ये मुक्तेश्वर महादेव मंदिर है, पता नहीं नीचे ही मंदिर मुक्तेश्वर महादेव टेम्पल लिखा था और यहाँ भी लिखा है, दो मंदिर है। कोई नहीं, हमने दोनों तरफ दर्शन कर लिए और यहाँ पे वीडियो बनाने के लिए मना कर दिया था, वरना आपको दर्शन जरूर करवाता। और भाई यहाँ पे बहुत ही कैडी हवा चल रही है, बहुत ही कैडी। और भाई तो चोली की जाली एक बंदे ने बताया था ना कि भाई मंदिर के वहाँ से रास्ता निकल जाएगा, वो निकल रहे हैं इसे भैया बता रहे हैं। और चोली की जाली भाई वो देख लो, ये जो बंदे खड़े हैं ना यहाँ पे, ये है भाई चोली की जाली। और व्यू देख रहे हो भाई पहाड़ की चोटी से, भाई अलग ही नज़ारे हैं, अलग ही मंदिर से व्यू है, क्यों रहते अच्छे नज़ारे। शिव जी हमेशा ना भाई पहाड़ों पर बैठे हैं हमेशा, सारे मंदिर शिव जी के पहाड़ों पे ही है ना। कल जी सारे भाई काफी मंदिर से काफी बढ़िया नजारा है, काफी बढ़िया। और ये है भाई यहाँ पे भूमि देवता मंदिर, शिवलिंग अंदर देख लो। भाई अब अपना मंदिर से उतर रहे हैं नीचे, अपना यहाँ से जा रहे हैं अब डायरेक्ट चोली की जाली के लिए, फिर उसके बाद निकलना है हमारा कहीं और। चाली की चोली, चाली की जोली, जोली की चाली, चोली की चाली, चाली की जोली, चाली की चोली,
चाली की जाली। और क्या है? चोली की जाली। चोली की जाली तूने कंफ्यूज कर दिया, तूने कंफ्यूज कर दिया। कैची धाम चलेंगे, ढाई 250 मीटर है सारा। कैची धाम, अरे चोली की जाली अपना चलते फिर। चोली की जाली, चोली की जाली, जाली की चोली की जाली, मत कंफ्यूज कर। तो चलो भाई अब अपना विदा लेते हैं मुक्तेश्वर महादेव महादेव मंदिर से। चलो भाई जैसे ही मंदिर से निकलेंगे ना, ये लेफ्ट में रास्ता जा रहा है चोली की जाली के लिए। जाली की चोली, जाली ये भी ट्रैक है 250 मीटर का बता रहे हैं। और भाई हमें लगा कि महादेव मंदिर का ना ट्रैक थोड़ा टफ होगा, लेकिन टफ नहीं था, सीढ़ियाँ थी, साफ बना हुआ था, ऐसी कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं हुई। हाँ भाई तो 1 किलोमीटर ट्रैक है, सांस तो चढ़ेगी। बाकी यहीं से ट्रैक है चोली की जाली का 250 मीटर का। और ये वाले ट्रैक में तो फुल फील आ रही है कि हाँ भाई ट्रैक कर रहे हैं, क्योंकि ये जंगल बिल्कुल जंगल के बीच से है, कोई सीढ़ियाँ नहीं है, कुछ नहीं है, और रास्ता नहीं बना हुआ। और भाई पूरे रास्ते पे ना ये पेड़ों से पत्तियाँ गिरी हुई टूट टूट के, और भाई जूते इतने स्लिप हो रहे हैं ना इस पे हद से ज़्यादा। और भाई पूरा ही बहुत घना जंगल है। शाम को अगर 6 बजे के बाद या 6 बजे भी आ जाए ना कोई बंदा, भाई उसकी ये आवाज़ सुन के और इस जगह के बीच हालत खराब हो जाए। लो भाई फाइनली वी आर एट चोली की जाली, बहुत जगह है भाई, चलते हैं आगे। ये देख लो भाई यहाँ पे अपना नींबू पानी और कुरकुरे चिप्स वगैरह की दुकानें मिल जाएंगी, मैगी वगैरह, ठीक है। और ये है भाई जो पॉइंट है ना चोली की जाली वाला, ये पूरा यही पॉइंट है भाई चोली की जाली। आगे से दिखाता हूँ आप लोग को। लो भाई ऐसे कुछ ऐसा कुछ व्यू है चोली की जाली से, ये देख लो। और यहाँ पे ना ये तार वाला भी है, दूसरे पहाड़ी तक लेके जाती है भाई, अपने को नहीं देना रिस्क। नीचे तो भाई गहराई देख रहे हो, लेवल ही नहीं है कुछ बिल्कुल ही। बाकी भाई ये पहाड़ों के बाकी पत्थर देख रहे हो भाई कैसे कटे हैं, और ये नेचुरल है, ठीक है, काट नहीं रखे। लेकिन भाई यहाँ से जो व्यू है ना बहुत ही प्यारा है, जो ट्रैक करके आया ना वर्थ है भाई। ये जंगल देख लो भाई, इसमें लेपर्ड वगैरह सब कुछ होएंगे। $500 चार्ज है ज़िपलाइन का, यहाँ से वहाँ तक, फिर वहाँ से यहाँ वापस। अपने को तो नहीं करना भाई, अपनी ऐसी ऐसी हो जाएगी। ये देखो मैं तो भाई व्यू देख देख के हैरान हूँ, यहाँ पे इतने व्यू पॉइंट है ना, यहाँ पे इतने व्यू पॉइंट है कि भाई मेरा मन ही नहीं कर रहा इस जगह से जाने का। कल उल्टा नैनीताल नहीं रुकना चाहिए था, यहीं पे आना चाहिए डायरेक्ट मुक्तेश्वर। बाकी यहाँ पे अपना चाय वगैरह पीते हैं। और भाई हमारा मुक्तेश्वर आने का बिल्कुल भी प्लान नहीं था, हमारा क्या सीन था कि एक दिन नैनीताल स्टे करेंगे, फिर नेक्स्ट डे अपना, फिर अगले दिन नैनीताल एक्सप्लोर करके शाम को निकल जाएंगे कैची धाम, ठीक है। फिर हमारे को पता लगा भाई कैची धाम तो 6:30 बंद हो जाता है, और हम नैनीताल से निकले थे 8 बजे, तो फिर हम जा रहे थे कैची धाम, हमें सोचा आसपास स्टे ले लेंगे, सुबह दर्शन करके फिर अपना निकल लेंगे घर के लिए। लेकिन जब कैची धाम पहुँचे यहाँ से दिखा रहा था 26-27 किलोमीटर मुक्तेश्वर, मगर चल एक दिन ट्राई कर लेते, एक रात वहाँ स्टे कर लेते हैं, यहाँ पर भी तो स्टे करना ही है कैची धाम में, तो इसलिए मुक्तेश्वर आ गए भाई। लेकिन मुक्तेश्वर आना वर्थ इट हो गया ये नज़ारा देख के भाई, सही सही हमने चूज़ किया कि भाई मुक्तेश्वर में स्टे करते हैं। स्टे जहाँ स्टे करा वहाँ से भी व्यू अच्छा था, और यहाँ से तो है ही बहुत प्यारा, क्योंकि भाई पहाड़ की पीक है ना ये, इसलिए भाई। अब यहाँ अपना चाय वगैरह लगवा रहे हैं, चाय पीते हैं, और फिर अब यहाँ से निकलेंगे कैची धाम के लिए। यहाँ पे से 2 लोकेशन ही घूमी है, क्योंकि भाई हमारे पे टाइम ही नहीं था, और कैची धाम मंदिर भी 6:30 बंद हो जाएगा, अभी 3:30 हो चुके हैं। यहाँ से 1.5 घंटा लगेगा कैची धाम जाने के लिए, तो इसलिए अपना चाय पीते हैं, आप लोग को एक बार फिर से व्यू एंजॉय करवाते हैं, और फिर अपना निकलते हैं यहाँ से। अगे भाई उदित ले रहे हैं बनमस्का ये अपनी चाय, और उदित कहीं भी हो ब्रेड टोस्ट ब्रेड बटर बनमस्का यही सब खाने बैठ जाएंगे, कुछ ढंग का खा। ये देख लो भाई ये बंदा जा रहा है जिप लाइन करने। चाय वगैरह पी लिया, उदित ने दिखाई ये हिम्मत, उदित कह रहा है भाई मैं जा रहा हूँ जिप लाइन करने। मैंने कहा फटाफट कर ले ताकि अपना टाइम से निकल जाए कैची धाम के लिए। ये देख लो ये जा रहा है अपना करने। चलो भाई उदित जा रहा है अपना ऐसे करवाने यहाँ पे।
भाई अब इसकी पटरी नीचे जाड़े हुए, ये देख लो ना ना, कोई दिक्कत नहीं भैया, लटका दो यही से, यहां से छोड़ दे इसको, नीचे देख नीचे 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 देखो नीचे। तो भाई एक बार और देख लो व्यू, बड़ा ही प्यारा व्यू है भाई, बड़ा ही प्यारा। अभी थोड़ी धुंध है, ये तो वो और अच्छा दिखता है। बाकी भाई उदित उदित ने कर लिया जिपलाइन, अब अपना निकल रहे हैं नीचे के लिए जहाँ हमारी गाड़ी खड़ी है, गाड़ी उठाते और फटाफट निकलते कैचीदा मंदिर के लिए। भाई अब जा रहे हैं दूसरे वाले रास्ते से नीचे, पहले जब आए थे पहले तो आए थे अपना जंगल ट्रैक करते हुए जंगल के अंदर से, अब ये प्रॉपर रास्ता बना, अब ये प्रॉपर रास्ता बना रखा है, यहीं से अपना एग्जिट लेना है नीचे की तरफ। ये देख लो भाई अल्टीमेट नज़ारा, अल्टीमेट। लो भाई अब ट्रैक करके आ गए अपना वापस, एग्जिट ले रहे हैं। महादेव मंदिर भी हुआ है और चाली की जोली भी, चाली की जोली भी हुआ है। बाकी अपना ले रहे हैं भाई अब एग्जिट। भाई अब अपना निकल चुके हैं महादेव टेंपल से, अब जा रहे हैं भाई नीम करौली बाबा। ठीक है देख लो, डेढ़ घंटे का रास्ता दिखा रहे हैं, 6 बजे पहुंचेंगे, 43 किलोमीटर है यहाँ से, और भाई 6:30 हो जाएगा मंदिर बंद। तो भाई किसी कीमत पर भी ना 6 बजे पहुंचना है ताकि आराम से दर्शन कर ले, क्योंकि भाई भीड़ भी मिलेगी, या हो सकता है भीड़ ना भी मिले क्योंकि आज है मंडे। बाकी देखते हैं भाई जैसा किस्मत में लिखा होगा, लेकिन अपनी तरफ से पूरा एफर्ट डाल देंगे भाई अपना टाइम से पहुंच जाए। तो इसी के इस व्लॉग को यहीं पेंड करते हैं। सो गाइस कैसा लगा ये व्लॉग कमेंट करके जरूर बता देना, अगर अच्छा लगा डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।